हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। जैसा कि पिछले क्लास में ब्लड रिलेशन मैंने ख़त्म किया और बताया था कि एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, तो आज मैं डायरेक्शन शुरू करने वाला हूं। बने रहो हमारे साथ, बेसिक्स है जरूर देखना। मैं चाहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखो ताकि आपको आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊँ, जितने इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आप सॉल्व कर सको आराम से। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। क्या है हमारा डायरेक्शन? यह डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होता है? हिंदी में हमारा क्या दिया रहता है? दिशा। कभी आपने क्वेश्चन इस तरह से देखा होगा, क्या राम गोज इन द सॉरी देखा होगा क्या राम इज गोइंग टू आर्ट्स नॉर्थ आफ्टर 5 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 10 मीटर्स एंड देन 10 meters, then he turns right and goes for 5 meter find the direction where Ram is, find the direction where Ram is to the initial point. चलिए, आप लोग क्या इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं? क्या बोला जा रहा है कि राम नॉर्थ के साइड जा रहा है, 5 मीटर के बाद वो लेफ्ट घूमता है और वहाँ से घूमने के बाद वो 10 मीटर जाता है, फिर वो टर्न करता है राइट और वहाँ के बाद 5 मीटर जाता है। पूछा क्या गया है कि अभी राम कहाँ है, फाइंड द डायरेक्शन, वो दिशा क्या है जहाँ राम है इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, आप लोगों ने बहुतों बार ये क्वेश्चंस देखा होगा, सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। कुछ बच्चों से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते। जिनसे सॉल्व नहीं हो पाते, घबराने की बात नहीं है, वो हमारा लेक्चर देखें, आप लोगों को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमारे जितने सारे लेक्चर्स आते हैं, आप कंटिन्यू रहो। और जिन बच्चों से हो जाती हैं, आप लोग भी हमारे साथ बने रहो, जुड़े रहो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार रखे हैं, तो बने रहो, देखते रहो, सॉल्व करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। चलिए, क्या होगा, एक बात याद रखना, हम क्वेश्चन पे ना जाके कुछ हम बेसिक्स बताते हैं होता क्या है। ठीक है, डायरेक्शन हमें चूज कैसे करना है, ये हमारा क्या हो गया डायरेक्शन हो गया, कि हमको किस डायरेक्शन में क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, कौन सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। अगर हम लोग को नॉर्थ का हमेशा याद रखना कि आप कुछ भी सॉल्व करो डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, बिना डायग्राम बनाए अगर आप चलने का कोशिश करोगे तो काफ़ी सारे जगह होंगे जहां आप मिस्टेक्स करने की संभावना है। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो जाएगा फिर साउथ। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, हमेशा साउथ होता है। अगर बोला जाए अपोजिट ऑफ नॉर्थ साउथ, अपोजिट ऑफ साउथ नॉर्थ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया वेस्ट हो गया। ठीक है, अब एक ये हमारा क्या हो गया, ये परफेक्ट डायरेक्शन हो गया। अब कुछ डायरेक्शन और आते हैं, क्या होता है, एक ये डायरेक्शन होता है, एक ये डायरेक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
ये किसके किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये किसके किसके बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये किसके बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये किसके किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। समझ में आ गया। एक और बात, यहां अगर नॉर्थ ईस्ट ना दे के ईस्ट नॉर्थ भी दे तो भी आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब ही वही है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या बोलेगा, नॉर्थ ईस्ट बोले या फिर ईस्ट नॉर्थ बोले, मैक्सिमम 98% में केसेस में क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट ही रहते हैं। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ईस्ट नॉर्थ, यानी कि इसका रिवर्स बायस मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसी डायग्राम पे, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोला, राम गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से एक पॉइंट है और यहाँ से जाता है कहाँ, नॉर्थ से जाता है। फिर क्या बोलता है, यहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ से जाता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, आफ्टर 5 मीटर, नॉर्थ चला एक पॉइंट से कितना दूर तक, 5 मीटर तक चला, क्वेश्चन के अनुसार ही हमको सॉल्व करते हुए जाना है। ही टर्न्स लेफ्ट, अब आप कैसे बताओगे कि मतलब लेफ्ट इसका क्या है, राइट क्या है, आप एक एरो साइन दोगे। ठीक है, एरो साइन दोगे, और एरो साइन को आप किस तरह से देखोगे कि जैसे आप मतलब आप ही चल रहे हो। ठीक है, आप यहाँ खड़ा हो, आपका फेस किस साइड रहेगा, अभी अपर साइड रहेगा। अपर साइड कहने का मतलब, अगर फेस अपर साइड है इसका मतलब आप क्या समझोगे कि आप सामने देख रहे हो। फेस अगर लोअर साइड है, सामने देख रहे हो मतलब, अगर अपर साइड है तो आप कैसे देखोगे, आप ऐसे देखोगे। अगर लोअर साइड है, मान लो कि अगर ये रहता है तो आप कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे। ठीक है, तो आप खुद को इमेजिन करो, पहले सबसे बड़ी चीज़ है डायरेक्शन में खुद को इमेजिन करना सीखो, प्रैक्टिस करो अगर नहीं हो रहा है तो, लेकिन खुद को इमेजिन करो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना करो, आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर क्या बोला, मैं खुद को इमेजिन कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, चल कर आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चला। अब ये मेरा लेफ्ट, हमेशा याद रखो, अगर हम इस तरह से खड़े हैं, इस तरह से चल रहे हैं, नॉर्थ हमारा ये होगी, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अब पूछा जाएगा लेफ्ट घूमना है तो इधर घूमेंगे या इधर घूमेंगे, लेफ्ट घूमना है तो हम किधर घूमेंगे, इधर ही घूमेंगे, और राइट घूमना है तो किधर घूमेंगे, राइट इधर ही घूमेंगे, लेफ्ट इधर, राइट इधर। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, खुद को इमेजिन करो, आराम से बनेंगे क्वेश्चन। आफ्टर 5 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट यहां से लेफ्ट घूमना है, कहने का मतलब क्या, हमको लेफ्ट हैंड नजर आ रही है और ये बोलता है कितना दूर तक जाता है, 10 मीटर। एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे, आप यहाँ स्केल लेके नहीं गए कि आप मेजरमेंट कर सको कि 5 मीटर और 10 मीटर क्या है, बस एक चीज माइंड में रखना, क्या ये 5 मीटर है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए 10 मीटर, इसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए 10 मीटर, क्या होना चाहिए, आप अनुमान लगाओ कि कितना बड़ा हो सकता है, बस बड़ा करो उतना, बस अनुमान लगाना है, आप लोगों को मेजरमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हमने अनुमान लगाया कि चलिए ये लगभग हमको लग रहा है ये डबल है, 5 × 10 तो हम ये डबल कर दिए लगभग लगभग। ठीक है, आगे क्या बोलता है, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 5 मीटर। अब क्या बोला, यहां से राइट जा रहा है, आप चल रहे हो इस लाइन में, आप कैसे चल रहे हो, इस लाइन में चल रहे हो, तो आपका राइट क्या होगा, आपका राइट ऑब्वियसली इधर जाएगा, हैंड आप इमेजिन करो, आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसका हैंड किधर जाएगा, हैंड आपको पता होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि राइट और लेफ्ट क्या है। ठीक है, तो आप राइट चलोगे तो मुझे नज़र क्या आ रहा है, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कितना चल रहा है, ये 5 मीटर चल रहा है, ये 5 मीटर चल रहा है। ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है, फाइंड द डायरेक्शन वेयर राम इज टू द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये इसको क्या कहते हैं हम, ओरिजिन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ही हमारा ओरिजिन रहेगा, और ये डायग्राम उसी तरह से हम सेट करेंगे। चलिए उसी तरह से सेट किए, कहने का मतलब
चलिए एक हो गया ये क्या था हमारा नॉर्थ था, ये क्या था साउथ था, ये क्या था ईस्ट था, और ये क्या था वेस्ट था, यही था। अब आप बताओ कि ये किस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है? ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ तक गया है, इनिशियल पॉइंट यहाँ है हमारा, यही ओरिजिन है, ठीक है, ये यहाँ तक गया है। अब ये किस डायरेक्शन में है, इससे ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है? ओरिजिन से हम देख रहे हैं क्या ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो हम लोग क्या कहेंगे ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अगर आपको कंफ्यूजन होता है राइट और लेफ्ट तो आप लोग घर के बुजुर्गों से सीख लेना, क्योंकि घर के बुजुर्ग आपको लेफ्ट राइट तो अच्छा से सिखा ही सकते हैं, और नहीं तो फिर चलो मेरा एक रूल फॉलो करो, अगर कोई नॉर्थ जाता है, अगर नॉर्थ जाता है तो ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बनाते रहोगे, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होता जाएगा, ठीक है। ये अगर नॉर्थ जा रहा है तो ये क्या हो गया लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। अगर ये वेस्ट जा रहा है, एरो एरो का भी भूलना मत डायरेक्शन देने के लिए, डायरेक्शन का मतलब ये एरो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर ये जा रहा है क्या ये नॉर्थ गया, तब ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। अब ये अगर ईस्ट गया सॉरी वेस्ट गया, ये एरो किधर जा रहा है वेस्ट जा रहा है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा ये, इसका लेफ्ट हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा अगर वो लेफ्ट है तो ये राइट हो जाएगा। एक डायग्राम ये याद रखना, दूसरा ये याद रखना, तीसरा डायग्राम पे आते हैं। अगर ये कोई साउथ जा रहा है, अगर कोई साउथ जा रहा है तो ये डायरेक्शन साउथ का क्या है नीचे है, ठीक है, तब लेफ्ट किधर होगा जस्ट इसका रिवर्स होगा नॉर्थ का, क्यों, क्योंकि उस समय हेड भी घुमा हुआ रहेगा, नॉर्थ जा रहे तो हेड उस साइड, साउथ जा रहे तो हेड इस साइड, ठीक है, तो हेड घुमा हुआ रहेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा लेफ्ट राइट का। ये साउथ जा रहा है तो लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो नॉर्थ जा रहा था तो क्या राइट इधर था, साउथ जा रहा है तो लेफ्ट इधर है, ठीक है। चलो ये थर्ड केस हो गया। अब फोर्थ केस क्या कह रहा है, हम किधर किधर चले गए, नॉर्थ गए वेस्ट गए साउथ गए, अब ईस्ट बाकी है। अगर ईस्ट जा रहा है हमारा, ठीक है, अगर ईस्ट जा रहा है तो हम क्या कहेंगे ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट किधर जाएगा ये भी जस्ट रिवर्स होगा किसका वेस्ट का, हम जैसा कि पहले भी बता दिए कि ईस्ट वेस्ट का रिवर्स होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखो वेस्ट में मिला के क्या है, ऊपर जा रहा है तो राइट, ये ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट, रिवर्स है। चलो अब ये डायग्राम याद रखना, अगर आपको लेफ्ट राइट में कभी भी कंफ्यूजन होता है तो ये डायग्राम याद रखना, आप अपने नोटबुक में जरूर इसको सेव रखना, ठीक है। चलो आते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। एक और बात याद रखना क्या, इसमें एक ट्रिगोनोमेट्री नहीं वो अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला, ये अगर कोई ट्रायंगल है, हमेशा याद रखो कोई भी साइड डायग्राम बन रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन का कोई भी अगर डायग्राम बन रहा है तो हमेशा क्या बनता है उसका ओरिजिन से हर डायरेक्शन क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और राइट एंगल का मतलब एक साइड 90 डिग्री है, ठीक है, तो उसका जो ये होता है परपेंडिकुलर ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं उस समय, अगर ये और ये निकालना आसान होता है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये और ये तो सिंपल दिख रहा है ना, नॉर्थ बोला तो ये नॉर्थ गया और राइट घूमने बोला राइट घूमा, ये बोला राइट घूमने राइट घूमा, ये लेफ्ट घूमने बोला लेफ्ट घूमा, तो आपको अगर डायरेक्शन ये सीधा पूछा जाए तो आराम से बना सकते हो निकाल सकते हो। क्यों निकालोगे, इसका डायरेक्शन जोड़ोगे कितना है टू, अगर मान लो इसका भी टू,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ पैरेलल रहता है 2 और ये भी 2 4, तो इसका निकालना आसान है, सेम इसका निकालना आसान है, लेकिन अगर आपको इसका निकालना है टेढ़ा वाला का जो कि 90 डिग्री नहीं हो, तब कैसे निकालेंगे, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारा हो गया ये जो निकालना होगा अगर टेढ़ा निकालना होगा तो, या फिर कभी कभी टेढ़ा दिया हुआ रहता है तो हम लोग ये निकालना होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो नॉर्थ और साउथ की तरफ जाता है, और ये बेस क्या होता है जो ईस्ट या फिर वेस्ट की तरफ जाए। चलो इतना ही था इस डायरेक्शन टॉपिक में समझने के लिए, अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स के लिए। आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठो, मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन क्या देगा, ए इज फेसिंग नॉर्थ, बी इज लेफ्ट ऑफ हिम, हिम या नहीं रहता है स्पेशली, क्या रहता है, ए नाम ही रहता है, ठीक है। तो हम क्या लिख दिए, ए लिख दिए, सी इज राइट फ्रॉम बी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, और एक और बात याद रखिएगा, क्या रखिएगा यार, कि हमेशा एक डिस्टेंस देता है, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ। चलिए अगर हम बोला जाए सी इज राइट फ्रॉम बी देन, फिर क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इन व्हाट डायरेक्शन A is from C, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा कि किस डायरेक्शन में A है C के तुलना में, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम, क्या बताएं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम हमेशा माइंड में नहीं याद रखते हैं, तो आप साइड में बना लो, क्या होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साइड में आप बना लिए। अब क्या करना है, जिसके बारे में सबसे पहले दिया उसको पॉइंट करेंगे, ए इज फेसिंग नॉर्थ, क्या बोला, ए इज फेसिंग नॉर्थ, कहने का मतलब ए खड़ा है चल नहीं रहा है, ए खड़ा है चल नहीं रहा है, और वो देख किधर रहा है, नॉर्थ की साइड देख रहा है, तो हमारा ए होगा ये, एक पॉइंट है, हम इसको शो किए पॉइंट, ए खड़ा है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, बी इज लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट कहने का मतलब क्या, लेफ्ट कहने का मतलब इसी के, ये डायग्राम याद रखिएगा, इसी के सिद्ध में अगर ए यहाँ है तो बी इधर ही कहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट लाइन पे, लाइन से ना उधर नॉर्थ के साइड ना साउथ के साइड, हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट कहने का मतलब अगर नॉर्थ के साइड फेस कर रहा है तो ये बी किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, बी किधर होगा, इसके लेफ्ट में होगा। फिर क्या बोलता है, तो हमारा क्या हो गया ये, ओरिजिन हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हमारा यही ना हो जाएगा, एक जो हम क्या बताया स्टार्ट करते हैं वहाँ से, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, बी हमारा इधर हो जाएगा। अब आगे आप हमेशा याद रखिएगा, बनाते टाइम ये डायग्राम यूज नहीं कीजिएगा, इसको साइड में ही रखिएगा, हम आपको बताने के लिए डायग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या होगा, सी इज राइट फ्रॉम बी, अब सी राइट है बी के, सी राइट है बी के कहने का मतलब क्या, अगर बी से लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट बोल रहा है तो बी का फेस नहीं दिया हुआ है, तो फेस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे, ये इधर ही देख रहा है, अगर लेफ्ट में बोल रहा है, अगर फेस नहीं दिया हुआ है, किस साइड फेस किया हुआ है, सो तो हम क्या मानेंगे, जिस डायरेक्शन में दे रहा है उसी डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको फेसिंग दिया रहेगा कि किस साइड फेस किए हुए हैं, तो नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, हम मान लिए क्या ये वेस्ट के साइड फेस कर रहा है। फिर क्या बोला, सी इज राइट फ्रॉम बी, सी इज राइट फ्रॉम बी, अब इससे राइट क्या होगा, इसका राइट क्या होगा, इधर होगा, इससे राइट होगा तो मतलब इधर जाएगा ये, और हमेशा क्या कीजिएगा, राइट बोल रहा है तो हमेशा इसके पैरेलल ही आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा,
क्या मानिएगा, इसके पैरेलल ही मानिएगा, चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रखो, लेकिन ये ओरिजिन का जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम इसके पैरेलल ही जाएगा सब, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जितना ही बोला जाए सब पैरेलल में जाएगा। ठीक है, अगर बोला जाए कि यहाँ ना जाके यहाँ जाए तो ये इसके पैरेलल होगा, इधर बोलेगा तो ये इसके पैरेलल होगा, इधर बोलेगा तो ये इसके पैरेलल होगा, इधर इसके पैरेलल होगा, ये इधर, आप समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, हमेशा पैरेलल जाता है। चलिए अब क्या बोला कि राइट बी के राइट में क्या है, सी है, मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसका फेसिंग नहीं दिया तो चलिए हम डॉट से नोट करते हैं, अगर इसके आगे कोई क्वेश्चन पूछता फिर फेसिंग पे हम जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द, देन इन व्हाट डायरेक्शन ए इज फ्रॉम सी। अब पूछा ए सी के किस डायरेक्शन में है, हमारा सी क्या है, ये है, हम क्या जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जानते हैं, सी हमारा इस डायरेक्शन में है, ए ए से किस डायरेक्शन में, पूछा क्या जा रहा है, सी से ए जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना होगा, आपको क्या नजर आया, ये नजर आया। अब आप क्या करोगे, सी से ए जा रहा है तो हमारा ओरिजिन क्या मानोगे, सी को मानोगे, तो हम एक बनाते हैं डायग्राम, ये ओरिजिन क्या हो गया हमारा, सी हो गया, ए किधर गया, ए इससे इस तरह से इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, ये हमारा ए होगा, देखो डायरेक्शन सेम है यानी, ऑरिजिन क्या माने थे हम, सी को माने थे, क्यों, सी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन ए का डायरेक्शन, ठीक है, तो सी का ऑरिजिन माने, तो ए की तरफ गया तो अब किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब आप बताओ कि किस डायरेक्शन में गया, आई थिंक आप बता लोगे, कमेंट करो, कमेंट करो, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के। क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो क्या कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। चलिए आज का लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कल से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, राम्स होम, राम्स हाउस इज लेफ्ट टू द मोहन हाउस, विच इज नॉर्थ टू द श्यामाज हाउस। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन विच डायरेक्शन इज राम्स हाउस फ्रॉम सोहन्स हाउस, श्यामा हाउस। ठीक है, चलो एक और ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करो साथ साथ। क्या दिया है कि राम्स हाउस इज लेफ्ट टू द मोहन्स हाउस, हम क्या मानते हैं, ये मोहन्स हाउस का है, क्यों हम माने, इस पहले आप बोलोगे कि सर पहले आप राम का लेते थे, मतलब यहाँ जो दिया हुआ था उसी का लेते थे, हम उसी का लेते, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि राम का हाउस जो है वो मोहन के हाउस के लेफ्ट में है, तो सबसे पहले आप राम का हाउस देखोगे या मोहन का हाउस देखोगे, आई थिंक आप भी मोहन का हाउस ही देखोगे, जब मोहन का हाउस हमको पता चलेगा तभी तो राम का पता चलेगा कि उसके लेफ्ट में है, तो इसके लिए हम क्या किए, मोहन का हाउस बना दिए, ओरिजिन हम ये ले लिए, अब इसके लेफ्ट में क्या है, राम का हाउस, एकदम क्या, हम लेफ्ट कहने का मतलब क्या, पैरेलल टू वेस्ट, ये ईस्ट ये नॉर्थ ये साउथ, ये ओरिजिन माने तो लेफ्ट हमारा वेस्ट की साइड है। ठीक है, हम इसी लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, इस बार लाइन मैं नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझो कि आप लोगों को भी लाइन शो नहीं करना है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, राम्स हाउस इज लेफ्ट टू द मोहन हाउस विच इज नॉर्थ टू द श्यामा हाउस।
अब मोहन हाउस, मोहन के हाउस के बारे में क्या बोला कि वो नॉर्थ में है, किसका नॉर्थ मतलब क्या, ये ऊपर में है किसका, श्यामा के हाउस का, तो ये क्या हो जाएगा, श्यामा का हाउस हो जाएगा। इसके नॉर्थ में आया मोहन का हाउस और मोहन के हाउस के लेफ्ट में आया राम का हाउस, ठीक है। फिर क्या पूछता है, इन विच डायरेक्शन इज राम्स हाउस फ्रॉम श्यामास हाउस। अब क्या पूछ रहा है कि राम का जो घर होगा वो श्यामा के घर का किस साइड होगा, श्यामा का घर से कंपेयर करने बोल रहा है, तो श्यामा के घर से कंपेयर कर रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा। और इस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हम बताएं ये चार डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है क्या, अगर चार डायरेक्शन आता तो आपको ये एक, ये एक, ये दो डायरेक्शन नजर आता, नहीं तो ये एक डायरेक्शन नजर आता, आपको इस तरह से एक भी डायरेक्शन नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। हम ये मोहन ले रहे हैं, मोहन नहीं, हम श्यामा से कंपेयर करते हैं, आपको ये नजर आता, ये नजर आता, ये नजर आता, ये नजर आता, ये दोनों ये चारों डायरेक्शन में से कोई नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम क्या बताए थे, एक अल्टरनेट डायरेक्शन बताए थे, ये डायरेक्शन होता है, ये क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होता है साउथ ईस्ट, ये क्या होता है साउथ वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ वेस्ट, बताए थे, बताए थे। तो अब बताओ कि अब कौन सा नजर आ रहा है, आप कहोगे ये नजर आ रहा है क्या, ये नजर नहीं आ रहा, इधर तो नीचे नहीं है, ये नजर आ रहा है क्या, इधर ऊपर नहीं है, ये नजर आ रहा है क्या, हाँ ये नजर आ रहा है, और ये नजर आ रहा है क्या, ये नजर नहीं आ रहा है, तो क्या नजर आ रहा है हम लोगों को, ये नजर आ रहा है, और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।